या 6 to 8 या 10+2 या किस में ज़्यादा वैकेंसी होगी, या PGT के लिए होगा या TGT के लिए होगा, उसके लिए हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए यार, नाम पर नाम जोहार रहेगा, सत श्री अकाल रहेगा। आज आप लोग को मैं बता दूं कि बहुत अहम अपडेट लेकर आए हैं। तो राज्य में इसी वर्ष 2 चरणों में 50,000 शिक्षक की होगी नियुक्ति, ये मुख्यमंत्री ने खुद ही बताया। तो हम लोग देखेंगे कि ये पहले चरण में कितने होंगे और दूसरे चरण में कितने होंगे और कौन कौन सा शिक्षक के होंगे बहाली, 1 to 5 या 6 to 8 या 10+2 या किस में ज़्यादा वैकेंसी होगी, या PGT के लिए होगा या TGT के लिए होगा, उसके लिए हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो अगर आप सबसे पहले, मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो को नया, आप अगर न्यू व्यूवर है तो पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर ले, क्योंकि रंजीत क्लासेस फॉर साइंस एक इकलौता चैनल है जो इसके बारे में आपके अपडेट आपके तक पहुँचाता है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और देख बताते हैं कि आप लोग को आज का न्यूज़ क्या बता रहा है, आज का ताज़ा खबर क्या है, मुख्यमंत्री ने क्या बताया है, क्या बताया है कि आप लोग की मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि राज्य में इस वर्ष 2 चरणों में 50,000 शिक्षकों की होगी नियुक्तियाँ, मुख्यमंत्री ने अपने से खुद से बताया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या बताया है। सो यहाँ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या बताता है कि 25,000, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग क्लिक कराएंगे, 25,996 शिक्षकों की होगी नियुक्तियाँ पहले चरण में, इसी माह के अंत तक होगा, यानी मई माह के अंत तक हो गया था। तो सबसे बड़ी न्यूज आप लोग के अपडेट दे रहे हैं, तो आप लोग देर किस बात की, आप लोग लास्ट तक इसे वॉच करें। तो इसी माह के अंत तक ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि इसी माह के अंत तक मैंने नियुक्तियाँ शुरू कर देंगे, यानी कि इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या आगे बताता है कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो क्या बता रहा है कि 24,000, यहाँ आपको बता रहा है कि 24,004 शिक्षकों की नियुक्ति दूसरे चरण दिसंबर में तक करेगी सरकार। यानी उसके कहने का मतलब है, जो उन्होंने बताया कि 24,004 जो है सो शिक्षकों की नियुक्ति दूसरे चरण में दिसंबर तक करेगी इसका नियुक्तियाँ। तो बहुत अच्छा खबर है आप लोग के लिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं विस्तार पूर्वक क्या बताया है। सो अब यहाँ देखिए क्या बताता है यहाँ पे कि आप लोग को कि झारखंड जैसे राज्य में जो काम वर्षों पहले होना चाहिए वह बहुत विलम्ब से हो रहा है। यानी कि उसके कहने का तत्पर्य कि जो पहले होना चाहिए काम सब बहुत देरी से हो रहा है। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षक एक ऐसे शास्त्र है जिसके माध्यम से सभी चीज़ें हासिल की जा सकती है, परंतु झारखंड जैसे राज्य में जो काम बहुत पहले होने चाहिए था वह बहुत विलम्ब से शुरू हो रहा है। अभी राज्य में 35,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं, हम सभी 4-5,000 विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने का काम कर रहे हैं। वर्षों से इन स्कूलों में जैसे पढ़ाई की व्यवस्था रही वह चिंताजनक है। सरकार ने पुरानी व्यवस्था दुरुस्त करते हुए काम बढ़ाया ताकि प्रतिस्पर्धा के दौड़ में राज्य गरीब आदिवासी पिछड़े बच्चों का बेहतर शिक्षा दी जा सके। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के जितना वेतन नहीं मिलता है, हम प्राइवेट स्कूल को प्रबंधन को समझाने की आवश्यकता है। तो इन्होंने जैसा कि आपके हेमंत सोरेन ने ये अपना वक्तव्य रखा है, तो आगे देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को पूरा विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है कि जैसा कि बता रहा है कि इसी माह के अंत तक 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और दूसरे चरण में 24,004 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। श्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार के जगन्नाथपुर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय के साथ राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही उन्होंने खुद से। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोग को फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को अगर देख रहे थे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, और फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट इसी तरह से अपडेट लेकर। तो आप लोग प्रत्येक ऐसा जो भी कैंडिडेट है जो अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो देर किस बात के, अभी से तैयारी में लग जाइए, आपका देर है अंधेर नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को।